So, हम बात कर रहे थे जेड सेशन की। जेड सेशन में फेज 7 6 तक हमने देखा था। फेज 7 से हम स्टार्ट करते हैं। फेज 6 जो था वो था होल ओवरव्यू ट्रेनिंग सेशंस, जिसमें आप ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक द यूजर फेमिलराइज विद द होल प्रोसेस। उसके अलावा होल जेल वर्कशॉप सेशंस। सो बेसिकली हर सेशन से पहले आप पार्टिसिपेंट से पूछ सकते हैं कि वो कोई सी सर्टेन इंफॉर्मेशन के बारे में प्रिपेयर होके जाए, ठीक है। सो उसमें बहुत सारे सैम्पल फॉर्म हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकती हैं, जो कि उनको जिसकी उनको ज़रूरत हो सकती है। सो बेसिकली एक्चुअल सेशन से पहले आप एक अलग से सेशन रखें, जो कि जिसमें यूजर्स से रिलेटेड, अगर यूजर्स को कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत है तो वो आप उसमें कर सकें। सो इनको वर्कशॉप सेशंस कहते हैं, और इनका सेट टाइम फ्रेम होता है और एजेंडा होता है, जिसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, जिसमें एजम्पशंस हो सकती हैं दैट दीज विल बी रिव्यूड विद द यूजर्स एंड ओपन फॉर डिस्कशन। तो कुछ एजम्पशंस हो सकती हैं, जो के एजम्पशंस यानी कि जो यूजर्स जिनको रिव्यू करता है और डिस्कशन के लिए ओपन करता है। एजम्पशन जो होती हैं, हो सकता है कि वो एज इट इज रह भी रहें और उनको रिवाइज भी किया जा सकता है एंड दे बिकम एन ओपन इशू एज वेल। देन देर आर बिजनेस डिजाइन बिजनेस प्रोसेसेस। आप रिव्यू कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज को रिलेटिंग टू बिजनेस एंड सिस्टम। जो बिजनेस और सिस्टम से रिलेटेड आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, एक्शन परफॉर्म करने हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं। डेटा रिक्वायरमेंट्स आप कैदे कर सकते हैं, ठीक है। डेटा इज डिफाइंड टू सपोर्ट द बिजनेस प्रोसेसेस। सो डेटा मॉडल्स आर यूज डेवलप्ड एंड रिव्यूड एज नेसेसरी, क्योंकि डेटा मॉडल्स आपके पास पहले मौजूद हो भी सकते हैं। सो आप उनको यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं नए, और उनको रिव्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन स्क्रीन्स। सो स्क्रीन्स में टिपिकली सीरीज ऑफ मेन्यूज हो सकते हैं या अदर ब्रांचिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। सो ये बताने के लिए कि यूजर्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो नॉर्मली इसमें मेन्यूज और सब मेन्यूज दिखाए जा सकते हैं डिज़ाइन में। सो ये चंद एक जो क्या कहते हैं वर्कशॉप सेशंस में आप टाइम फ्रेम और एजेंडा डिफाइन करते हैं इन आइटम्स का, जिसमें अजम्पशंस डिस्कस करते हैं कि वो क्या अज्यूम करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटा रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिवाइस कर सकते हैं और स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं विद डिटेल रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन में है, रिपोर्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, फ्रीक्वेंसी है, वैकेंसी मतलब है कि कितनी ड्यूरेशन के बाद आपको वो चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होगी वो रिपोर्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सॉर्ट क्राइटेरिया है एंड डेटा एलिमेंट्स हैं उसमें, डेटा कौन कौन सा। सो ये तमाम एलिमेंट्स के रिपोर्ट रिपोर्ट के एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा ओपन इश्यूज, अगर किसी सेशन के दौरान, वर्कशॉप सेशन के दौरान अगर किसी को कोई इश्यूज हैं, ओपन इश्यूज हैं, तो वो उसको डिस्कस कर सकता है और उसको रिजोल्व करने के लिए आप डिस्कशन रख सकते हैं एक खास पीरियड के बाद। सो इस सारे प्रोसेस में ये जो फेज 7 है, इसमें स्क्राइब जो है वो सारे मीटिंग मिनट्स ले रहा होता है और वो ओपन इश्यूज को और जो भी मीटिंग के मिनट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब कर, डायग्रामिंग के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या वर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं उसकी किसी और वे में। सो स्काइप की इस
फेज सिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत मेजर है. उसके बाद फेज है जिसमें आप ओपन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, मतलब उनको सॉल्व करते हैं. उनको ओपन इश्यूज अगर किसी पार्टिसिपेंट को या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हैं तो उनको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक सेपरेट स्मॉलर वर्किंग ग्रुप बनाएं और जिसमें अपर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो. ठीक है, सो इसको फैसिलिटेट करने के लिए फैसिलिटेटर हो सकता है जो कि अपर मैनेजमेंट और जो यूजर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ओपन इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनकी उसकी उस पर डिस्कशन को रिजॉल्व करने के लिए फैसिलिटेटर हेल्प आउट कर सकते हैं. उसके बाद फेज नाइन है जिसमें आप यू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर वर्कशॉप रिव्यू सेशंस. आप जो फैसिलिटेटर जो है एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है फॉर रिव्यू और उसमें आप सर बहुत ज्यादा हो गया मॉडल्स को और प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस को रिव्यू करते हैं और फाइनलाइज करते हैं. So these sessions may also include prototype screens and reports. इसमें prototype की screen और reports भी हो सकती हैं. So basically this is a session जहाँ पे आप review करते हैं जो workshop से document prepare हुए हैं और facilitator जो है वो उस documents को आगे मतलब review के लिए पेश करता है. फिर hold sign off workshops. ठीक है, so जेड सेशन से रिजल्ट्स जो आते हैं आप उनको रिव्यू करते हैं इन इन वर्कशॉप्स में. इसके अलावा जो प्रोसेसेस और डाटा मॉडल्स हैं जो जेड सेशंस से आए हैं उनको भी रिव्यू किया जाता है. अगर कोई प्रोटोटाइप आपने यूज़ किया है, प्रोटोटाइप से मतलब कि ऑलरेडी बिल्ट जो कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर है उसको आपने यूज़ किया है तो उसकी स्क्रीन्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉक थ्रू और यूजर्स की, इससे आपको यूजर्स की एक्सेप्टेंस मिलेगी. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो एड दैट इन यू कैन से दीज डॉक्यूमेंट्स रिव्यू प्रोसेस या साइन ऑफ प्रोसेस. नॉर्मली इन इन सेशंस के दौरान आपको हम लोग जो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान करते हैं कि किस तरह से क्या ये प्रोडक्ट के प्रोसेस ऐसा है कि यूजर इसको एक्सेप्ट कर लेगा. सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्यूए से मतलब क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे डिस्कस किया जाता है और कैसे वो प्रोडक्ट को वैलिडेट करेगी और कैसे हम इस टेस्ट को जो है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो ये होल साइन ऑफ वर्कशॉप का मकसद आपके सारे जो आपने सेशंस किए हैं उसको रिव्यू करना, उसमें उसकी रिपोर्ट्स का रिव्यू करना, मॉडल्स का रिव्यू करना और ये देखना कि इन द एंड जब जब डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइज हो जाएगी और फाइनलाइज हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे की जाएगी. उसके बाद 11th वन इज फाइनलाइजिंग द स्पेसिफिक यू कैन से स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. जब आप सारे ये स्टेप्स कर चुके होंगे तो फैसिलिटेटर जो है वो प्रिपेयर करेगा फाइनल डॉक्यूमेंट सो दैट इट कैन बी सबमिटेड फॉर फाइनल अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसको फैसिलिटेटर ने आगे अप्रूवल के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रेजेंट करना है, सबमिट करना है. अगर प्रोटोटाइप भी कोई यूज़ की गई है तो उनकी स्क्रीन्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज में मूव की जाती हैं यहाँ से. सो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि पोस्ट जेड में चूँकि रिव्यूइंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है चीज़ों की तो सारे जेड सेशन को भी सिर्फ जो है रिव्यू करना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली ये था जेड और यहाँ तक ये ख़त्म हो गया. इसके 11 फेजेस हैं. So it's kind of a very general discussion. So yahan pe hum